नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक। मान लीजिए हमें 54 को 36 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आप देख लीजिए मैं इसको कैसे करता हूं। सबसे पहले 5 × 3 होता है 15, 4 × 6 होगा 24। अब इसके बाद 4 × 3 आएगा 12 और 5 × 6 आएगा 30। 30 + 12 होता है 42। इस 42 को हमें 1524 की एक डिजिट को छोड़कर लिख देना है और इनको ऐड कर देना है, तो हमें मिलेगा 1944 और यही है हमारा आंसर। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। हो सकता है कि इस चीज़ को समझाते हुए मुझे टाइम लग जाए, लेकिन अगर आप एक बार इस ट्रिक को सीख गए तो आप बहुत आसानी से कोई भी 2-डिजिट मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल को लेकर हम इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए इस बार हमें 43 को 24 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो सबसे पहले 4 × 2 होगा 8, लेकिन हम यहाँ पर 8 की बजाय 08 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक 2-डिजिट नंबर आना चाहिए। अब 3 × 4 होगा 12, तो 12 को हम इसके साथ लिख देंगे। अब इसके बाद 3 × 2 होगा 6 और 4 × 4 होगा 16, और 16 में 6 को ऐड करने पर 22 आता है। इस 22 को हम इस नंबर की एक डिजिट को छोड़कर लिख देंगे और इनको ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 1032 और यही होगा हमारा आंसर। चलिए एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमें 76 को 97 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 9 होगा 63 एंड 6 × 7 होगा 42। अब 7 × 7 इज इक्वल टू 49 एंड 6 × 9 इज इक्वल टू 54। 49 + 54 इज इक्वल टू 103। इस 103 को हम इस नंबर की एक डिजिट को छोड़कर लिख देंगे और इनको ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 7372 और यही होगा हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस ट्रिक को समझ चुके हैं, इसीलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिनके आंसर आप इसी ट्रिक का यूज़ करके निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में हमें अपना अपना आंसर बताएंगे। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।